वेलकम बैक टू मिस्टर कैट। सो आज की जो वीडियो है वो हमारी गर्ल्स के अंदर एक कमांड है जो कि हेलिकल एंड स्पाइरल के नेम से है। ठीक है, ये बेसिकली जो है डिफरेंट टाइप पे यूज़ होती है। तो जिस तरह हम थ्रेड कटिंग के लिए थ्रेड्स यूज़ करते हैं, उस तरीके से हम किसी चीज़ की कटिंग के लिए या किसी चीज़ के डिज़ाइन के लिए, जैसे मैंने ये थ्रेड कटिंग की है, लेकिन मैंने ये थ्रेड कटिंग जो है वो स्पायरल और हेलिकल के ज़रिए की है। सो आज मैं बताऊंगा आपको कि हम वो कमांड किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्ट में जाना है यहाँ से, पार्ट डिज़ाइन, ठीक है, फ्रंट प्लेन के स्केच करें आप यहाँ से, स्मार्ट डायमेंशन, और इसे हमने दिया 20 डाया, देन ओके, फीचर्स, एक्सट्रूड बॉस, और इसे हम करेंगे 100, ठीक है, एंड देन ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने हेलिकल, हेलिक्स एंड स्पायरल सेलेक्ट करना है, फेस सेलेक्ट करना है, और अगेन फीचर्स हो जाए, एग्जिट, वेट अ मिनट, पहले हमें इसे कन्वर्ट एंट्रीज में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ये हेलिकल, हेलिक्स और स्पायरल की कमांड जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्केच में जाए, स्केच, दिस फेस, कन्वर्ट एंट्री, दिस एज, एंड देन ओके, नाउ एग्जिट। फीचर्स में जाए, हेलिक्स एंड स्पायरल, ये देखें इसने ऑटोमेटिकली जो है वो हम पॉइंट जो है हमारा जो है वो उसने फेच कर लिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखें आप कि इसके अंदर ये तीन और ये फोर ऑप्शन हैं। ठीक है, सबसे तो पहला पिच एंड रेवोल्यूशन है, पहले इसके मतलब आपको बता देता हूँ। पिच एंड रेवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, हमें पिच दी होगी और हमें रेवोल्यूशन दी होगी। ठीक है, पिच जो होती है वो आपको पता है, ये जो दो जो हमारे पास कह लेने थ्रेड्स होते हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो पिच होता है, और रेवोल्यूशन जो है वो ये कितने नंबर्स ऑफ रेवोल्यूशन हमें चाहिए जो जो राउंड में है। ठीक है, सो इस तरीके से या से अब इसे चेंज कर सकते हैं, इसकी पिच में 3 कर देता हूँ, इस तरीके से इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा। अगर 6 करता हूँ तो डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ से आप चेंज करके 15 कर दें, या मैं इसे 10 कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, एंड देन इसे ओके कर दें। बाकी ये जो है एंगल जो है वो 180 ही रहेगा। ठीक है, क्लॉक वाइज या काउंटर क्लॉक वाइज वो आपके ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं इसे क्लॉक वाइज सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से कॉन्स्टेंट पीछे, एंड देन ओके। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसका जो राइट प्लेन है इसके ऊपर स्केच करना है नॉर्मल ओके। अब हमें यहाँ पर एक ज्योमेट्री जो है वो ड्रॉ करनी है, जो ज्योमेट्री हमने इस हेलिक्स के ऊपर जो है, स्पायरल के ऊपर जो है हमने कट करवानी है। ठीक है, तो वो हमने ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, इसको और इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ, देन ओके। यहाँ से मैं इस पॉइंट लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, और इससे वन का जो है वो डिस्टेंस देता हूँ। ठीक है, देन ओके। अब हमने ये पॉइंट का जो मिड प्लेन है वो सेलेक्ट कर लेना है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है वो सेलेक्ट करना है, और ये जो लाइन है कंट्रोल शिफ्ट, और ये जो लाइन है ये, और यहाँ हमने मेक पियर्स कर देना है। ठीक है, इस तरीके से जो इस लाइन के ऊपर जो है पियर्स हो जाएगा, इसके ऊपर फिट हो जाएगा। ठीक है, सो आपने फीचर्स में जाना है, यहाँ से एग्जिट हो जाना है, और यहाँ पर सब देखें सब कप की जो कमांड है वो एक्टिव होगी, इसके ऊपर क्लिक करें, इसने ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट है वो इसने पिक कर लिया। अब हमारे से वो पूछ रहा है कि आपने किस कर्व के ऊपर या किस पाथ के ऊपर आपने इसे कट करवाना, तो मैं उसके लिए ये पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हैं प्रीव्यू भी जनरेट हो गया, देन मेक इट ओके। सो इस तरीके से जो है वो हमारा एक्सट्रूड कट जो है, स्वीप कट जो है वो हो जाएगा लाइक अ थ्रेड। आप देख सकते हैं जैसी हमारी शेप होगी बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये इसके ऊपर जो है वो कटिंग कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक ये पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा आपको मैं और भी दिखा देता हूँ,
एडिट फीचर्स में जाए, ठीक है। एक पिच एंड रेवोल्यूशन है, उसके बाद हाइट एंड रेवोल्यूशन है। अब ये क्या है हाइट एंड रेवोल्यूशन? हाइट जो है वो हाइट जो है ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये जो हेलिक्स और स्पायरल है इसकी हाइट है इस तरीके से, और जो रेवोल्यूशन है ये इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है, कि हमें कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन तक चाहिए, ठीक है। मैं इसे कर देता हूँ 12, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो हाइट है एंड देन ओके, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हमारी जो ज्योमेट्री थी पहले जनरेटेड थी, तो इसने ऑटोमेटिकली उन्हें भी एक्सट्रूड कट कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वो आप कोई भी ज्योमेट्री को उस स्पायरल के ऊपर जो है वो मूव करवा के स्वीप कट करवा सकते हैं। सो इस तरीके से जो है वो हम ये जो कमांड है हेलिक्स एंड स्पायरल की कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं कटिंग करने के लिए किसी भी शेप को, किसी भी डायमेंशन पे, किसी भी पार्ट के ऊपर। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो करें ताकि आपको समझ आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट ड्राइंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, और मेरे चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।